प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पर पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है तितलियाँ। आप चित्र में देख रहे हैं, दो बच्चे तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बगीचे में खेल रहे हैं। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। मीतू के बगीचे में सफ़ेद तितलियाँ थीं। वे बगीचे में उड़ती रहती थी, कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर। माँ कहती थी कि तितलियाँ फूलों का रस पीती हैं, वही उनका भोजन है। चलो हम तितलियाँ पकड़ें, गीतू ने कहा। उसके पास तितलियाँ पकड़ने वाला जाल था। नहीं नहीं, तितली मत पकड़ो, मीतू ने कहा। पकड़ने से तितली उड़ नहीं सकेगी। फिर वह फूलों का रस कैसे निकालेगी? उसे खाना कौन खिलाएगा? वह तो भूख से मर जाएगी। उसके पर कोमल हैं, पकड़ने से वे टूट जाएंगे। हाँ, उड़ती हुई तितलियाँ सुंदर लगती हैं, उन्हें उड़ने दो। चलो हम पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें उड़ते हुए देखते हैं, गीतू ने कहा। गीतू और मीतू पेड़ के नीचे बैठ गईं और देर तक सुंदर तितलियों को उड़ते हुए देखती रहीं। तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि एक संदेश आपको दिया गया है कि तितलियाँ आज़ाद अच्छी लगती हैं, उड़ती हुई अच्छी लगती हैं, उन्हें पकड़ना बिल्कुल गलत है। जैसे हमें आज़ाद रहना पसंद है, तितलियाँ भी आज़ाद रहना चाहती हैं। ये इधर उधर उड़ती हुई तितलियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। बगीचे में अगर तितलियाँ ना हो तो बगीचे की शोभा ही अधूरी रह जाएगी। तो हमें उन्हें पकड़ना कभी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इस कहानी में एक बात हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाक्य, मीतू के बगीचे में सफ़ेद तितलियाँ थीं, वे बगीचे में उड़ती रहती थीं। अब तुम जो शब्द मैं ऐसे रेखांकित करूँगी उन पर ध्यान दोगे। वे बगीचे में उड़ती रहती थी, यहाँ पर वे जो शब्द आया है यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तितलियों के लिए। कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर। माँ कहती थी कि तितलियाँ फूलों का रस पीती हैं, वही उनका भोजन है। यहाँ पर भी देखो, वही उनका, वही किसके लिए प्रयोग हुआ है? फूलों के रस के लिए। और उनका किसके लिए प्रयोग हुआ है? तितलियों के लिए। चलो हम तितलियाँ पकड़ें। अब यहाँ पर देखोगे हम किन के बारे में कहा गया है? गीतू और मीतू के बारे में। तो तुमने इसके पहले संज्ञा का पाठ पढ़ा था और यह जान लिया था कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, शहर होते हैं, स्थान होते हैं, भावनाएं होती हैं, सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो गीतू और मीतू क्या है? संज्ञा है। तितली क्या है? संज्ञा है। पर हम इन संज्ञा शब्दों को बार बार नहीं दोहराते। जैसे यहाँ पर हमने वे लिखा, फिर वही लिखा, फिर उनका लिखा। तो वे तितलियों के लिए प्रयोग में लाया गया, फिर वही फूलों के रस के लिए प्रयोग में लाया गया, उनका तितलियों के लिए प्रयोग में लाया गया, और यहाँ पे हम गीतू और मीतू ने अपने लिए प्रयोग में लाया। उसके पास तितलियाँ पकड़ने वाला जाल था, यहाँ भी उसके वर्ड आया है, उसके शब्द गीतू के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो तुम क्या देख रहे हो कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द आ रहे हैं। फिर आगे हम चलते हैं। नहीं नहीं, तितली मत पकड़ो, मीतू ने कहा। पकड़ने से तितली उड़ नहीं सकेगी। फिर वह फूलों का रस कैसे निकाली? अब फिर से यहाँ देखो, वह किसके लिए प्रयोग में लाया गया? तितली के लिए। उसे खाना कौन खिलाएगा? उसे तितलियों के लिए। वह तो भूख से मर जाएगी, फिर से वह तितलियों के लिए आया। उसके पर कोमल है, फिर से तितलियों की जगह पर उसके का प्रयोग किया गया। पकड़ने से वे टूट जाएंगे। वे किसके लिए प्रयोग में लाया गया? पंखों के लिए। हाँ, उड़ती हुई तितलियाँ सुंदर लगती हैं, उन्हें उड़ने दो। उन्हें फिर से किसके लिए प्रयोग में लाया गया? तितलियों के लिए। चलो हम पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें उड़ते हुए देखते हैं। हम जो शब्द का प्रयोग हुआ गीतू और मीतू के लिए, और उन्हें शब्द का प्रयोग हुआ तितलियों के लिए। पुनः हम देखते हैं, गीतू और मीतू पेड़ के नीचे बैठ गई और देर तक सुंदर तितलियों को देखती रही। तो जितने भी शब्द मैंने रेखांकित किए हैं, ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए गए, इसलिए हम क्या कहेंगे कि
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वे क्या होते हैं? सर्वनाम। संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वाले को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वाक्यों की संरचना बेहतर बनाने के लिए, वाक्यों को सुंदर दिखाने के लिए, सुंदर सुनने में लगे, बोलने में लगे, इसलिए संज्ञा शब्द बार बार नहीं दोहराए जाते, उनकी जगह पर सर्वनाम शब्दों का, जैसे कि वह, उसे, उसकी, उन्हें, हम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और भी कई सारे संज्ञा शब्द हैं, आगे हम देखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वे, उन्हें। आगे हम और भी चीज़ें जानेंगे, और भी चीज़ें। पहला है अपने लिए, मैं, हम, मेरा, हमारे, मुझे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं, मेरा, हमारे, मुझे, ये शब्द अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है जिससे बात की जाती है, तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसे क्या कहोगे? आप कहते हो, तुम कहते हो, तुम्हारा, तुम्हें, ये सब। फिर है किसी अन्य के लिए, अगर तुम किसी के बारे में बात कर रहे हो तो क्या कहते हो? वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने, इस तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हो। तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं? सर्वनाम हैं। अगला है कौन, क्या, कोई, ये भी सर्वनाम होते हैं। वाक्य के अनुसार ही सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे वाक्य बनाए जाएंगे उसी तरह से सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा। सर्वनाम भी एकवचन या बहुवचन के रूप में होते हैं। तो सर्वनाम भी क्या होते हैं? पहले तुम लोगों ने वचन पढ़ लिया है, वचन में एकवचन या बहुवचन आता है, तो एकवचन और बहुवचन के रूप में सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक गेंद है तो उसके लिए क्या कहेंगे? वह मेरी गेंद है। और बहुत सारे खिलौने हैं तो क्या कहेंगे? वे मेरे खिलौने हैं। तो जैसे जैसे वचन बदलते हैं उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपने सर्वनाम शब्द को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपने इस क्लास का, इस कक्षा का आनंद भी लिया। आपको कहीं किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ होगा, और अगर किसी कठिनाई का अनुभव हुआ होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जो भी शंकाएँ होंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करूँगी। जो भी आपको मुश्किल लग रहा होगा मैं उन्हें दूर कर दूँगी। ये आपको PDF में भी मिल जाएगा, और उसे आप क्या करेंगे, अपनी जो नोट कॉपी है उस आपकी, उसमें आप उस PDF को लिखेंगे। सर्वनाम कहानी भी आप लिख सकते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और जो बातें मैंने यहाँ लिखी है सारी बातों को आप कॉपी पर लिखेंगे, उन्हें पठन करेंगे, और कठिनाई का अनुभव हुआ तो मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।